आज यहाँ मौजूद 2024 20 नवंबर को इस मुमरा कौसा के आवाम को जो एक ऐतिहासिक फैसला लेना है, गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करना, जिस दिन हमने तय किया है उस तय करने वाले और सोच बदलने वाले इस जलसे में मौजूद जफर नुमानी जी, नया नाइक शाह साहब, हमारे सिराज अंसारी और तमाम मेरे सब भाई बहने जो स्टेज पे बैठे और हाजिर ने जलसा, अस्सलाम वालेकुम। एक साल पहले फैसला लिए, आज शादी महल रोड पे तकरीबन 2009 के बाद आया हूँ। यहाँ हमारे वकील अयाज हसन के भाई की ऑफिस हुआ करती थी अंदर ना, नसीम भाई की एक ऑफिस हुआ करती थी केबल की, है कहा है क्योंकि वो भी उस दरमियान में एक नेता थे, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे। आज मौजूद परत 15 साल बाद मिला है, जो 15 साल पहले खुद ने गलती की थी, जिसने 15 साल पहले ये हलके के कॉरपोरेटर समाजवादी के थे, 2009 में हफीजा नाइक, असलम अंसारी ने दो आगे फिर ये थे अपने खाला थी हमारे मुमताज खाला थी तीन मुमताज कुरैशी, ये तीन जन या अश्विन राव चार और राम नयन यादव थाना में पांच, ऐसे समाजवादी के पांच थे। जो गलती 2009 में मेरे सभागरा के महापालिका के तालुकात को लेकर इनकी मदद लिया था, इस शादी महल में हर दर मुझे आज भी याद है, यहाँ से सीधा जाएंगे तो पीछे इंसान नगर है मेरे ख्याल से, कमरू आया है दिखा था, कमरू जब छोटा था झाड़ा तो था पहले से मुका था ना कमरू, साथ में लेके मेरे को इंशा नगर के बिल्डिंगों में घुमाता था। आज जिसने गलती किया है वो गलती मुझे ही सुधारनी है, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं किसी और के कंधे नहीं लेता किसी और को सबक सिखाने के लिए। जो गलती हमने की थी सबने मिलकर एक सोच लाई थी, आप लाइट से परेशान थे, ऊट सूट लाइट जाती थी, ट्रांसफॉर्मर्स नहीं थे, केबल नहीं थी, रास्ते नहीं थे, पानी की मसले थे, एक सोच लाए थे कि यार कुछ इस हलके को सुधारे, मगर अफसोस इस बात का कि जो सोच सुधारने के लिए हमने अपने सोच लाए थे आप लोगों को सुधारने के लिए, आप लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए, वो मसले तो वही है, लाइट जाती नहीं है बट खीसा तो काटा जाता है, लाइट जाती नहीं है आपका पर्स तो कर मारा जाता है, पानी की लाइन डाली गई है पर नल में पानी नहीं है। 2009 के बाद सोचे हम सब कॉरपोरेटर ने कि हमारी आवाम में ताकत मिली हमको, ये ताकत से हमको आवाम की खिदमत करना चाहिए। 2012 में हम सब भाई बहनों की तादाद बढ़ी, हमने करोड़ों रुपया मुमरा में देने का काम शुरू किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पानी के मसले हल हुए, मुझे पूरा यकीन है कि आपके पानी के मसले हल नहीं हुए। आज एक आमदार होता है जिसको आप विधायक कहते हैं उत्तर प्रदेश में, मारा बन्ना मारा, एक विधायक होता है, एक आमदार होता है और एक नगर सेवक होता है, 45 से 50 नगर सेवकों के पीछे एक आमदार आता है, तो नहीं हम सबसे बड़ा होता है वो मुमरा के, हम 30 लोगों ने उसके अंदर ताही मेरी थी, कोई भी कहे आपके लिए हमने 220 करोड़ रुपया दिया,
2011 में नजीब मुल्ला के साइन से पहले 90 करोड़, और साहब ने कहा मैं दिल्ली से पैसा लाऊंगा, मेरी पहचान तो पूरे हिंदुस्तान में, मेरा कबूल है। 3 साल बाद पता चला कि पैसा आया नहीं, फिर से टेंडर निकाला, वहां पहला झगड़ा हुआ, इन्होंने टेंडर वापस देने को लगाया 2016 में, 16 या 17 में। मैंने कहा कि हम महापालिका में नगर सेवक लड़के मुमरा की कौसा की आवाम का प्यास बुझाना चाहते हैं, और आप इस तरीके का क्यों करते हो? नहीं, ठेकेदार मेरे मर्जी का नहीं है, काम अच्छा नहीं करेगा। वो ठेकेदार का नाम कृष्णा नहीं था, और मैं नाम इसके लिए ले रहा हूं कि फाइल जो भी है वो महापालिका में आप तय कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उसका टेंडर कैंसिल क्यों हुआ, दबाव किसने लाया था। उसके बाद क्या हुआ, 18 में हमने 220 करोड़ रुपया, आज आपके पास में लाड़की बहन के 7,500 रुपए किसके के अकाउंट में आए, 7,500 आपके इधर आए कि ना लाड़की बहन के, तो हाथ उठाइए कितने जन के पास आए। बड़ी रकम है 1500 रुपए महीना, तो सोचो, माफी चाहता हूं गर्म पानी, सोचो 220 करोड़ रुपए आपकी प्यास बुझाने को क्या था। मुकम्मल तौर पे वो 220 के अंदर आपको 7 पानी की टाकी मिलने वाली थी। सरकार में कोविड के बाद पैसा खत्म हुआ, एकनाथ जी शिंदे साहब के पास नजीब मुल्ला और श्रीकांत शिंदे जाके 23 फरवरी 2023 को 220 करोड़ रुपया लाया कि मुमरा कौसा और दीवा के कुछ हिस्से में पानी का काम नहीं रुकना चाहिए। अंबा साहब ने बेड़ा उठाया कि नारियल मैं फोड़ूंगा, मुल्ला तू क्यों बीच में गिरता है, टेंडर मेरा, कॉन्ट्रैक्टर मेरे, 3 लोगों में तकसीम किया उन्होंने काम, पैसा लेने का जो बटोर रहे वो तो बटोर रहे वो, क्या पानी की राहत मिली, पानी की राहत मिली आपको, आपको पानी की राहत, कोई पानी की टाकी मिली आपको? मुझे बताइए, आप बुजुर्ग शख्सियत है, जूने लोग हैं, पिछले 15 साल में रहते, एक कोई आपके एतराफ में पानी की टाकी बनी हुई आपने देखी? तो मुझे बताइए आपने कितना बड़ा एहसान हम पे किया है, आपको पता है 2009 में आपने जब हमारे सब मिलके, इनकी वालिदा, इनके वालिद इब्राहिम राउत जी, उनकी वाइफ, बाकी के सब कार्यकर्ता, ये तो सिराज बिरा तो छोटे थे सब जुने, तो मेरा एक शागिर्द था जिसको तैयार किया था, वो वही है जावेद, अभी भी लाडला है वो, तो बेचारे एक बार मोटरसाइकिल में बिखरा था, उसको नारे मारने को लगा है मेरे खिलाफ में। मुझे बताइए, आपने हमको कर्जदार है, हम आपने मुझे आप वोट दिया, हम आमदार बने, हम महाराष्ट्र में शोहरत आई, हमको मंत्री पद मिला, हम एक फ्लैट से निकल के बंगले में गए, छोटी गाड़ी से 4-4 बड़ी गाड़ी में गए, आपने वोट दिया, इज्जत मिली, शोहरत मिली, पैसा कमाया, बड़े बड़े एजेंसियां करके कारोबार बढ़ाया, हम वो कर्जे के तहत आपने जो एक वोट दिया, हमको टीवी में चमकने का मौका मिला, आज हमको टीवी में चमकने का मौका मिला, तो मुझे बताइए वो कर्ज के नाते जो आवाम मेरे मोहब्बत में मेरे को 15-3 बार वोट देती है, वो मांग क्या रही है? कि आप कभी उनके बंगले पे पैसे मांगने गए? क्या आप दवा की मदद मांगने को गए? क्या आप किसी बच्चे की फीस मांगने को गए? वो तो आएंगे नहीं, मुझे पता है कि, बट तुम गए भी नहीं, आप मांगा क्या? पानी। आज हमने उनको मंत्री बनाया, चूहे जीत के नहीं आते तो मंत्री बन पाते? वो जीत के नहीं आते तो टीवी में इतना चमकने का मौका मिलता? वो जीत के नहीं आते तो महाराष्ट्र में इतनी प्रसिद्धि, इतने तारीफ और इतने गुलपोशी होती? तो आपका फर्ज, उनका फर्ज क्या था कि मैं कर्जदार हूं,
मगर हमें मिला क्या, पेरेंट। आज पेरेंट मिला है। मैं मुमरा कौसा वाले को कहता हूं कि लाइट बगैर टोरेंट के भी सुधारी जा सकती है। या हमारा, मुझे चेहरा देखने दो जिसके रिश्तेदार राबोड़ी में हो, मैं उनसे सवाल करूंगा और रिश्तेदार को यही फोन लगाए और हो गए किसी ना किसी के रिश्तेदार या राबोड़ी में, यहां बैठे में किसी के है फोन लगाए है आपके तो लगाओ फोन, खाना लगाइए फोन और पूछो कितने साल पहले आपका पानी लाइट का मसला हल हुआ। क्या हमको वो टोरेंट को देना पड़ेगा? एमएससी भी है, एमएससी भी है, क्योंकि हम कर्जदार है, हम अल्लाह ताला को नाजिल रख के काम करते, हमें एहसास है। आपके भाई को, आपके बेटे को एहसास है कि मैं कर्जदार हूं, मैं इनको बेच नहीं सकता हूं। बट वो क्या समझेंगे जिसे हलाल और हराम ही नहीं समझता है, वो क्या कब्र का अजाब समझेंगे जिसे अल्लाह का खौफ ही नहीं है। आपने मंत्री बनाया, आपको उसके बारे में मिला टोरेंट का जुल्म, लूटने वाली कंपनी, और ये आप अकेले नहीं है, आपके इतने ही मजमा कलवा में भी हमारे हिंदू भाइयों बहनों का होता है। कल मैं एक आलीशान सोसाइटी पारसिक नगर में मीटिंग किया, मैंने वहां बड़े बड़े एक एक करोड़ के फ्लैट, मैंने उनको पूछा, मैं मुमरा में घूम रहा हूं, सब एक ही बात करते हैं कि हम टोरेंट को भगाएंगे, और मैंने वादा क्यों, आपकी सोच क्या है? एक राय हुई कि आप टोरेंट को भगाइए, हम आपके साथ है, हम भी बेजार हो चुके हैं। अरे जिन लोगों ने आपको चुन के दिया और आपको चुनना, आपको आपकी अहमियत मालूम नहीं है, ये गली में जब हम घूमे कलवा में किसको चप्पल मारेंगे? अरे टोरेंट को चप्पल मार के मत भगाओ, चप्पल मारना है तो जिसने टोरेंट को लाया उसको मारो, और उसको चप्पल मारना बोले तो हाथों से खुद का चप्पल नहीं, अपने अंगूठे से घड़ी के निशानी के आगे बटन दबा के होगा। आज आपको आपकी अहमियत मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं आपने कितना बड़ा उन शख्स के ऊपर एहसान किया था। 2009 में कलवा वालों ने उन्हें नापसंद किया था, मैं याद खड़े हुए मजमे से कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि नजीब उसका सीपे सालार था, जो गलती किया तो खुद सुधारने को एक सुकून की जिंदगी छोड़ के आपके बीच में आया हूं कि मेरे मां बहनों और आवाम का अल्लाह ने रुसू को ताकत और सलाहियत दी है, तो मेरा फर्ज बनता है उठ और लड़ने को निकल। आज मैं ये कहता हूं 2012 में 9 में 12,000 माइनस में थे, माइनस, शिवसेना ने जश्न मनाने का माहौल बनाया। मुझे मुंबरा के आवाम पे यकीन था, हमने 27,000 वोट आगे दिया और अवार्ड साहब को 2009 में 16,000 से जिताया था, वो एहसान आपने किया था, मगर उस एहसान तले क्या मिला, टोरेंट। और ये मैं नहीं कहता हूं, 2014 में जो बीजेपी का मुख्यमंत्री था उन्होंने खुद कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ, नहीं मुझे बहुत ही हैरानी की बात है कि मुमरा कलवा का आमदार जितेंद्र आवाज टोरेंट लाने की बात करता है। मैं आपका बच्चा, आपका बेटा वहां होता तो वो कहता कि मुझे लूटने वाली कंपनी नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए जिससे आज इनकी सहूलत सुधार सकू। आज वो कहते हैं टोरेंट भगाएंगे, और उनके साथ घूमने वाले भी जो है, सिद्धार्थ नगर के कितने जाने हैं, सिद्धार्थ नगर के कोई है? एक हाथ दिख रहा है पीछे से, सिद्धार्थ नगर के है चाचा? जो आपका पैसे वाला रहनुमा बनता है उसने कहा था टोरेंट आएंगी तो कब्र मेरे मैयत के ऊपर से जाना। अल्लाह ताला माफ करे, जो उनका सच्चा सीपे सालार है अवार्ड साहब ने, तो उसकी तो फिक्र करने का कि उसकी मैयत बिछी हुई के ऊपर से टोरेंट आई 2012-13 से लेकर
11 साल हो गई उसकी मैयत वही पड़ी है, बट टोरेंट जा रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको शमीम भाई को हिदायत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, दराजे उम्र करे। बड़े मजाक का मामला, अल्लाह मुझे माफ करे, पर मामला संगीन है कि जो बयान करता है वो बयान पे तो रहे, ऑफिस के बाद में चैन बांधे। अरे तुमको अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, सिर्फ फ्री में कुछ बांटने से नहीं होता है, उनको लूटने से बचाने से। और जब अल्लाह पूछेगा कि तेरे को रुसूख दिया था, वसत दिया था, ताकत दिया था, तेरे जेब में पैसे की गुर्मी दिया था, तो जब तेरे में हिम्मत कहां गई थी कि तूने आवाम की जिसके साथ बैठा था उसको तूने कहा नहीं कि तुम गलत हो, तुमने जुल्म किया है? क्या उसका आखिरी ऐसे में माफी है? खाली वीडियो निकालने का, चैन बांधा, ये बांधा। मुझे बताइए, आपके अंदर साहब 2019 से 2023 तक 2.5 साल मंत्री थे, देखे निकला आगे पीछे गाड़ी, एक कैमरा वाला, बॉडीगार्ड, अवार्ड साहब मंत्री थे कि नहीं? मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं कि एक मंत्री की ताकत आपको पता नहीं है। 5 खाते होते हैं महाराष्ट्र में, उसके अंदर से एक सबसे अहम खाता था। क्या एक बार भी आपने कोई अखबार में पूछा? वो तो ऐसा है कि काम के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, जैसे कि हॉस्पिटल चालू होने के पहले उद्घाटन कर दिया। तो मुझे बताइए, एक बार कहा कि मेरी हवा जब मुझे घर बिठा के जिता रही है, मैं उनको टोरेंट के लिए बात करूं कि मुख्यमंत्री जी मेरी आवाम कंटाल गई है, मेरी आवाम को लूटा जा रहा है, मैं मंत्री पद का राजीनामा दूंगा, या तो मेरा राजीनामा लो या तो टोरेंट को निकालो। नजमुआ है ऊपर भेजो। ये बात हुई क्या कभी आपके कानों पे आई? अरे क्यों देंगे, पैसा जो रोज आ रहा था। अरे जो शख्स आपका अंदर 2.5 साल आपके बीच में नहीं आया मंत्री बनने के बाद, आज तो हर घर चल रहा है, आज हर घर घर फोन कर रहा है। थोड़ा तो शुक्रिया हमको बोलो, हमने जंग में नहीं उतरते तो फिर से मुमरा कलवा वाले ऐसे ही रह जाते। आज ऑफर दी जा रही है, हमारे कुछ नौजवान ऑफिस खोलते, बाद में सामने से बोलते हैं नजीब भाई ने ऑफिस का खर्चा दिया। मैं क्यों पैसा दूं, मैं तो खिदमत करने आया हूं, आपको सुधारने आया हूं। बोले सामने से नजीब भाई मुझे 10 लाख मिल रहा, ऑफिस बंद करता हूं ना, तो बोला बेटा तेरा घरदार अच्छा चलेगा 10 लाख से? बोला हाँ। बोला अल्लाह मेरा रास्ता बनाएगा, ऑफिस बंद कर तेरा घर सुधार लूं। इनको जो लगता है ना कि बाजू में खड़े रहे बयान कर रहे, वो भी हमको पूछ के जा रहे, वो बड़ा हो या छोटा हो। और मेरा फर्ज बनता है कि क्या मुझे मालूम है कि अल्लाह मेरा वो नैमल वकील है। हम क्या कहते हैं, हसबुनल्लाह व नैमल वकील। दूसरी दुआ क्या पढ़ते हैं, हसबुनल्लाह व फतेहुन करीब। करीब फतेह को करीब फरमा, अल्लाह फतेह को करीब फरमा, मेरे हक में तेरे को जो सही लगता है वो फैसला फरमा। उतरे हैं जंग में, लड़ेंगे, सर पे कफन बांध के निकले, क्योंकि हमको मालूम है जूना साथी हमारा नेता कितना बड़ा रावण है, छोड़ेगा नहीं, बट फिकर नहीं, लड़ेंगे। और हमको साथ चाहिए तो हमारे मां बहनों की। आज कब्रिस्तान, मुन्ना भाई ने कहा पानी निकलता है, आज यहां मैयत तफ्तीन होती है तो आप मित्तल में जाते कि अमृत नगर में जाते, कहां जाते? ये अमृत नगर में और मित्तल में, ये एरिया में नहीं जाते। आज मुझे बताइए, आज हमें घर खरीदते तो क्या नजदीक देखते, कि मस्जिद और कब्रिस्तान। गोश्त की दुकान दूर भी रही तो चलेगा, बराबर है? मुझे बताइए, कब्रिस्तान जो राजू ने कहा मेरे यहां, राजू भाई ने कहा पहले, मेरे ख्याल से ये बात सही है। आज बहुत ही हो जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पेपर अभी देने तैयार हूं, नजीब मुल्ला की साइन है क
की मुमरा में कब्रिस्तान है जो महापालिका ने मंजूर किया था। जितेंद्र आवाड साहब की साइन नहीं है, बड़े भाई के नाते तय किया दे दे। आज आपके विधायक रहते, आज आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाइए, राष्ट्रवादी का आमदार, शिवसेना का आमदार क्या कहता है, मुझे ये नेता ने 3,000 दिया, वो नेता ने मेरे एरिया में 4,000 दिया। आवाड साहब कितना देते, 200 भी नहीं पहुंचे, 150 भी नहीं पहुंचे, और जो 1,800 करोड़ दिया तो वो हम नगर सेवकों ने दिया, उनका कुछ लेन देन नहीं है। हाँ, एक इज्जत बड़े भाई के हमारा एहतराम करना, बात पसंद आए या ना आए घर में, ये हमारा इस्लाम सिखाता है। उन्होंने कहा तू आ मत, मैं आऊं तो ये बच्चे मुझे नारे मारने लगते हैं, कोई उठा लेता है। मोहब्बत है, कौम का बच्चा है, आगे बढ़ रहा है, जज्बा है, और इसी जैसे इत्तेहाद की वजह से तो हम लोग है साथ में। चिल्लाए, आज हमने जो कब्रिस्तान दिया था वो कब्रिस्तान का सर्वे नंबर 2011 में जो मंजूरी का महापालिका में दिया था वह इलाइट करके प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब बताइए वो बिल्डिंग जो बन रही है, कब्रिस्तान जो हमने तय किया था, शरीयत क्या करती है, एक बार तुम्हारी नीयत दीन के चीज में हो गई तो उसको बदल नहीं सकते। ये शरीयत कहती है कि एक मस्जिद जहां तामीर हुई है जब तक उसको मुकाम पे नहीं बन सकती है, समझो झोपड़े में हो ये हो या किसी की दी हुई जगह है, उसको तब्दीली नहीं कर सकते। इसीलिए हम बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे, हमने गम का घूट पिया, और आज कहते ना बीजेपी मेरे साथ में जो गुमराह कर रही है कि बीजेपी बीजेपी, मुझे बताइए आपका टोरेंट का मसला आपकी जगह पे, आपका पानी का मसला आपकी जगह पे, आपका प्लेग्राउंड का मसला आपकी जगह पे, कत्लखाने का मसला आपकी जगह पे, स्कूलों का मसला आपकी जगह पे, हॉस्पिटल का मसला आपकी जगह पे, फेरी वाले का मसला आपकी जगह पे, ट्रैफिक का मसला आपकी जगह पे, गर्ल्स हॉस्टल आपकी जगह पे, गर्ल्स कॉलेज आपकी जगह पे, शादी खाना आपकी जगह पे, कम्युनिटी हॉल आपकी जगह पे, बड़ा भूल जाओ इस्लाम खतरे में, इस्लाम खत्म होने वाला है। नजीब को वोट दिए तो नजीब बोले तो बीजेपी, जब चोरी पकड़ जाती है तो चोर रोता है, चोर गुमराह करता है, कोई पुलिस में होगा तो बताएगा चोर को पकड़ता तो अल्लाह कसम कुरान की कसम सब झूठे कसम खाता है, खाता है। वो हाल उनका है, चोरी पकड़ी गई है, आग खोलने वाली टीम, बेबाक शेर शेरनियों की टीम तैयार हो गई है, तो मालूम है कि जब ये आवाम खड़ी होगी, मेरी माँ जी बहन उठ के पूछेगी आवाड साहब टोरेंट क्यों नहीं हटाए, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, माँ जी टोरेंट जरूरी कि इस्लाम, अरे हमारा इस्लाम तो जिंदा है और जिंदा रहेगा। हर मुहर्रम में, कर्बला में, हर साल शहीदों के नाम पे इस्लाम जिंदा होता है। तुम कहा है, तुम क्या हमारा दीन जानोगे, चार मौलवियों को चार टोपी वाले को लेकर घूम के आप इस्लाम नहीं समझ सकते। हर शहीद कर्बला के बाद इस्लाम जिंदा होता है, सोचेंगे में तुम क्या हमारा इस्लाम खतरे में सोचोगे, तुम हमारा क्या इस्लाम सोचोगे, हमारा इस्लाम तो होता है, तुम क्या बीजेपी का डर बनाते हो। जब 2014 से 2019 में जब आपने टोरेंट लाया, जब आप पैसा कमाने के लिए बीजेपी के गोद में बैठे थे, मैं आज आवाज साहब से सवाल करता हूं, और आज जिसने जिम्मेदारी से सवाल करता हूं कि आप, हम हक के लिए लड़ रहे, आज हम गरीबों मुस्तहिक की जरूरत के लिए लड़ रहे, आज हम जो हमारा हक है उसके लिए लड़ रहे, और आप हमें गुमराह कर रहे हो। मैं ये सवाल करता हूं जितेंद्र आवाड साहब, और इसके लिए आज कर रहा हूं कि कल तक आपने कहा था कि मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, तो फिर क्यों कह रहे हो कि आप नजीबुल्ला ने फॉर्म पर गया, मेरा नाम लिया तो पूछ रहा हूं कि जितेंद्र आवाड साहब 2014-19 के बीच में जो वेलॉक्स करके आपकी कंपनी मारुति की वो एजेंसी आपको फडणवीस साहब ने वर्षा बंगले पे मारुति के मालक को बुला के दी है कि नहीं दी है। देवेंद्र फडणवीस साहब
मुख्यमंत्री भाजपा के थे तो बताइए वेलॉक्स कंपनी की मारुति के जीएम को बुला के आपको वो कंपनी दिलाई क्या नहीं दिलाई? तो पैसा कमाना हो करोड़ रुपया तो बीजेपी के पैर पड़ सकते हैं, मगर मुसलमान अपने हक की बात करे तो उसको बीजेपी के नाम पे गुमराह करोगे? क्या मांगे? पानी? क्या मांगे? टॉयलेट सेंटर? क्या मांगे? मूलभूत सुविधा? क्या गलत मांगे हमने? अवर साहब ये सवाल का जवाब चाहिए। ये मुमरा कौशा की आवाम आपको स्टेज पे चढ़ने नहीं देगी जब तक इसका आप जवाब नहीं दोगे। है कि नहीं हमारे में तक बोलो, है कि नहीं? तुम हमारा हक है क्योंकि आप गुमराह कर रहे। आप मुद्दों पे बात करना चाहिए और मैं कहना चाहता हूं साथ में जुड़े हुए साथियों को, अरे पैसा कमाएंगे, अरे हमसे इसी को लुटा के भी खुश है क्योंकि हम यही सोचते हैं कि वो अल्लाह का फैसला, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। नजीब मुल्ला वहां पर नहीं बन पाया, एक वोट से गिरा। राजन केनी की क्या मेरी दुश्मनी थी? राजन केनी ने कहा तू नहीं आता तो मैं आमदार बनता। भुगता नजीब कभी रोया नहीं क्योंकि रोते तो अल्लाह के सामने। मेरे को एक ही कहना है कि मुझे बताइए टोरेंट से हकालना है हमको, टोरेंट को निजात चाहिए? हाँ या ना? आपको पानी चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्टल चाहिए? आज हमारे को किसी का प्रोग्राम करना है तो कोई कम्युनिटी हॉल है? हर कम्युनिटी को हॉल मिलेगा, कोकनी, तकनी, उत्तरवाती, पूर्वांचल, जगह है, बोरी जगह है और देखे करने की जिद चाहिए। प्लेग्राउंड के लिए लड़ रहे हैं आप, 6 मिनट बचे, प्लेग्राउंड के लिए लड़ रहे हैं आप, ये जाके शत्रुघ्न सिन्हा के जैसा दरवाजा तोड़ रहे। अरे साहब साथ में काम किए, अल्लाह ने सलाहियत भर भर के हमको दी है और सिर्फ हम इनकी नहीं कर रहे, हमने 2 करोड़ रुपया सेंट्रल रिविरा के बाजू में 5 एकड़ का प्लेग्राउंड दे रहे हैं। उसमें प्लेग्राउंड होगा, मॉर्निंग आपको चलना है वहां चलने की जगह देंगे, साइकिलिंग ट्रैक देंगे और इतना देंगे ही नहीं, आपका वोट लेने के पहले जैसे 3.5 करोड़ रुपए शादी महल इंशा नगर कौशर बाग के नाने के लिए लाए उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपए लाए। आज मुन्ना भाई आपने कब्रिस्तान का मसला बताया, मेरा कौम का फर्ज है, मेरा आखिरत का जिम्मेदारी है, मैंने वोट लेने के पहले 5 करोड़ रुपया मट्टी भरने के लिए कब्रिस्तान के लिए लाया और 2 करोड़ रुपया अमृत नगर दरगाह वाले कब्रिस्तान के लिए लाया। लाया शासन का जीआर है, पत्रकार दे सकते हैं। इतना ही नहीं, जो 9 स्कूल 9000 बच्चे गरीब मराठी और उर्दू में मीडियम में पढ़ने वाले कौसा में जो पढ़ते थे, दरवाजे ने, खिड़की ने, कुछ नहीं। अफसोस हुआ टीचर नहीं थी, आधे से ज्यादा बच्चों को टीचर नहीं थी। हमारे आमदार जी तो टीवी में चमकोगिरी करने से बचे नहीं थे, राम और रहीम की बात कर रहे थे, कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता है, मसले के बारे में कभी औरंगजेब बोलिए अल्लाह के बारे में बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे महाराज के बारे में बोलेंगे, उसमें बिजी थे। 53 टीचर भी लाए और आलीशान स्कूल बनाने को 5 करोड़ रुपए भी लाए, 181 करोड़ रुपया जो अवार्ड साहब ने 15 साल बन के आपका विधायक में लाया, वो आपका बेटा, वो आपका बच्चा भाई, उसने 3 महीने में उससे ज्यादा पैसा लाया। जहां आपकी नीयत साफ है, जहां आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह ताला रास्ता बनाता है, क्योंकि हदीस और कुरान मानी से पढ़ता हूं, जब फिरौन की फौज पड़ी थी नीयत साफ थी और अल्लाह पे भरोसा था, नीले दरिया नील में रास्ता बनाया था। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि आपका बच्चा खड़ा है गुमराह ना होते हुए, दीनदार लोग से भी कहूंगा, मैं मस्जिद के ट्रस्टी और इमामों से भी कहूंगा, चंद लोग बिके हुए हैं, आप जिम्मेदारी रखिए। जब मुसलमान 52 टक्का है, हिंदू भाई बहन कलवा में कहते हैं कि 15 साल जितेंद्र अवार्ड को दिया, अब बारी
मियां की, तो आप क्यों दूर जा रहे हो? आप क्यों दिन में मस्जिदों से और ट्रस्टियां ऐलान कर रहे हैं? क्यों डर रहे हो तुम्हारे कारोबार से? अरे कारोबार देने और लेने वाला तो परवरदिगार है, तुम ये शैतान से क्यों डर रहे हो? मैं इतना ही कहूंगा, घड़ी की निशानी को याद रखो, तुतारी बजती है तो चिल्लम नहीं, जैसा कहा चिल्लम और तुतारी। सुकून तो मस्जिद में जाने का टाइम, स्कूल में जाने का टाइम, मंदिर में जाने का टाइम, काम पे घड़ी बताती है। और मुझे बताइए, ये सब बच्चों ने बेड़ा उठाया? अरे मेरे गणपति के आगे दर्शन की करते, मेरे राबड़ी वाले दो तीन जन बैठे थे, पूछे उनसे कैसा माहौल सुधारा। मेरे हिंदू भाइयों का मोहब्बत से दिल छूट के, जब फसाद होता है ना तो पता चलता है, तुमने तो फ्लैट से बंगला बनाया, बड़े मोमिनों का गरीबों का घर चलता है, वो आपको क्या पता चलेगा 15 साल में कहा झोपड़पट्टी में आप गए। आप 2.5 साल मंत्री थे, और वो किस चीज के मंत्री थे? गिरने को आई हुई इमारत उसको कैसा सुधारे, माड़ा के घर गरीबों के घर कैसे लाए, झोपड़ों को कैसा सुधारे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, क्या हुआ? पहले लड़ाई शुरू कर दे। अच्छा, एक मिनट, दो मिनट ही बचे। मुझे बताइए आशिक भाई, एक आप चौपाप के पीछे झोपड़पट्टी है, फास्ट ट्रैक के पीछे, मंत्री साहब को कभी लगा कि अल्लाह ने ये उम्मत की दुआ और वोट से, कौम की दुआ और वोट से मैं मंत्री बन गया हूं, एक योजना से इनको अच्छे फ्लैट में भेजू? 10 बज चुके हैं, 1 मिनट बाकी है, घड़ी अपनी परफेक्ट है, 1 मिनट बाकी है, क्योंकि इससे नमाज का टाइम अपन अजान परफेक्ट चलती है, 1 मिनट बाकी है। मैं एक ही वादा आपसे लेना चाहता हूं, आपका बच्चा आपके बेटे ने 1500 रुपए घर में आ रहे आज, लड़की बहन और उनसे पूछूंगा, मेरे भाइयों से पूछूंगा, बेड़ा हमने उठाया है, क्या बदलने का साथ दोगे? दोगे या गुमराह होके रहोगे? मैं अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे, काले जादू से बचाए, बला से बचाए, आफत से बचाए, ये दुआ के साथ 20 नवंबर को बगैर कोई याद के आप घड़ी के निशान पे बटन दबा के जो मुस्तकबिल बनाना है, नशे को खत्म करना है, नशे के बारे में रियाब लाना है, ये नजीबुल्लाह का अल्लाह ताला को नाजिल के सवाल दे के जा रहा हूं, फिर आऊंगा जीत के बाद आपका वादा पूरा करने, ये वादा देता हूं। आप पेशेंट घड़ी के निशानी पे आप वोट डालेंगे। जय हिंद।